हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नया फ्रेंच शो जिसका नाम है लुपिन। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा इस पर्टिकुलर शो के बारे में, तो शायद वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आप लोग यार पेशेंस रखो और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि थोड़ी बहुत R&D तो मैंने भी किया है। तो यार इसलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। यार वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों को शाउट आउट देना चाहूँगा जिन लोगों ने आज सही गेस किया कि मैं किस पर्टिकुलर सीरीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पर उन लोगों के नाम आ रहे हैं, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। साथ साथ ये भी कहता हूँ कि आप लोग का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये चैनल का और मेरी मेहनत का कुछ भी मतलब नहीं है। बात करेंगे हम लोग लुपिन सीरीज़ की, जिसमें आपको टोटल 5 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 41 मिनट से लेके 52 मिनट्स के बीच में ये, और ये एक फ्रेंच सीरीज़ है मगर आपको इंग्लिश में देखने मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्लॉट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लुपिन नाम है ना, ये एक्चुअली पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम है अर्सिन लुपिन, और ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि क्रिएट किया है एक फ्रेंच राइटर ने 1905 में। अब ये कैरेक्टर एक जेंटलमैन थीफ है और साथ साथ ये मास्टर ऑफ डिसगेस, यानी कि ये रूप बदलने में माहिर है। अर्सिन लुपिन बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज में अपियर हो चुके हैं और साथ साथ नॉवेल्स में भी आ चुके हैं। बात करेंगे शो के प्लॉट की, जो कि फोकस करती है एसेंट डोप पे, जो कि ऐसा चोर है जो आपके आंखों के सामने आपके पास से चीज़ें चुरा लेगा और आपको घंटा भी पता नहीं चलने वाला। उसके अलावा ये रूप बदलने में माहिर है और ये अर्सिन लुपिन को अपनी इंस्पिरेशन मानता है, यानी कि बचपन से अर्सिन लुपिन की नॉवेल पढ़कर ही बड़ा हुआ और अपनी लाइफ में ये जो जो चीज़ें करता है वो लुपिन से इंस्पायर होकर ही करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता जब एसेंट डिसाइड करता है एक क्वींस नेकलेस चुराने का। अब उसके बाद क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर सीरीज। खैर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो यार बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ये मनी हेस्ट के बराबर है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मनी हेस्ट एक अलग वेब सीरीज है और ये एक अलग वेब सीरीज है, और इन दोनों ही वेब सीरीज में कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। मैंने मनी हेस्ट के हर एक सीजन देखा और मैं इस पर्टिकुलर सीजन देखने के बाद ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर इस पर्टिकुलर शो की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर पूरे 5 एपिसोड में आपको ऐसा नहीं देखा कि भाई एक बंदा है जो चोरी कर रहा है और भाग जा रहा है, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट एपिसोड में वो नेकलेस चुराता है, लेकिन उसके बाद जो प्लॉट है वो जिस तरह से टर्न लेता है ना, एक तरह से रिवेंज ड्रामा आप लोग कह सकते हो, वो इतना गजब का, इतना इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर ये शो मुझे अलग डिफरेंट लगा और पूरी तरह से मैं इस शो में इंगेज हो गया था। उसके अलावा यहाँ पर आपको दो अलग अलग प्लॉट देखने को मिलेंगे, एक तो 1995 में जहाँ पर आपको अर्सेन के पास्ट में क्या कुछ हुआ था वो देखने को मिलेगा, और साथ साथ प्रेजेंट में अर्सेन के साथ क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है जो आपका इंटरेस्ट थ्रू आउट द वे शो में बनाए रखता है। उसके बाद शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को शो में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया, इनफैक्ट जो मेन कैरेक्टर है अर्सेन का उसको तो डेवलप किया, लेकिन साथ साथ उससे रिलेटेड जो दूसरे कैरेक्टर है उनके बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी गई जिससे आप इजीली उनसे कनेक्ट कर पाओ। शो में जो एक इन्वेस्टिगेशन वाली चीज़ें डाली है ना, वो बहुत ही गजब की है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जिस लोकेशन पे इस पूरे शो को शूट किया वो तो यार एकदम मतलब आंखों के लिए किसी ट्रीट से कम है नहीं। शो के अगर BGM की बात करो तो अगर आप कोई ऐसी शो देख रहे हो जहाँ पर चोरी हो रही है, रॉबरी हो रही है, तो उसमें जो BGM का इस्तेमाल होता है ना, मतलब वो BGM आपको एक अलग ही एक्साइटमेंट और थ्रिल पैदा करता है, और यहाँ पर भी वो BGM बहुत शानदार लगता है, और अलग अलग किस्म के BGM आपको थ्रू आउट द शो सुनने को मिलते हैं, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ एडिट करके मैं अपने वीडियो में भी यूज़ कर लूँ, मतलब एकदम कमाल का BGM था। उसके अलावा एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर वन एंड ओनली एक ही एक्टर है ओमार, जिसने यहाँ पर एसएन का रोल प्ले किया। यार लाजवाब, मैंने फर्स्ट टाइम उनको उनकी कोई पर्टिकुलर सीरीज़ देखी, मुझे इससे पहले उनका कुछ भी मूवी या सीरीज़ देखा ही नहीं था, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर शो देखने के बाद मैं उनका लिटरली फ़ैन हो गया हूँ। मतलब उन्होंने इस कैरेक्टर को इतना बिलीवेबल वे में निभाया कि मतलब आप बिलीव करने लोगों की वाकई में एक ऐसा चोर जो कब चीज़ें चुरा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग एक्टर्स थे सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। शो में आपको गजब के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, और जहाँ पर 5th एपिसोड खत्म होता है वो किसी क्लिफहैंगर से कम है नहीं, और डेफिनेटली पार्ट 2 में हमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो मतलब इस शो को एक अलग ही लेवल पर लेके जाएगी। नेगेटिविटी की बात करें तो जो लोग इसको मनी हेस्ट से कंपेयर करेंगे तो वो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है उनकी, क्योंकि ये मनी हेस्ट के लेवल जितना शो है नहीं, ये उससे थोड़ा कम का शो है, तो यहाँ पर ये इसकी पहली
पहली नेगेटिविटी, और दूसरी नेगेटिविटी ये है कि स्टार्टिंग में ही हमें ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा शो है जहाँ पर हमें चोरी या बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो मतलब मज़ा आ जाए, लेकिन जैसे जैसे शो प्रोग्रेस करता है वहाँ पर ये एक रिवेंज ड्रामा बन जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस को ये शो बोरियत फील हो सकती है या वो इतना इंटरेस्ट फील ना करे, लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक ऑडियंस के ऊपर। उसके अलावा शो में मुझे कुछ भी नेगेटिविटी नहीं लगी। खैर अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये शो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें किसिंग सीन है लेकिन ऐसा एकदम भी एग्रेसिव वाला किसिंग सीन नहीं है, बस वो तीन चार जगह पर एकदम मामूली सा, मतलब एकदम भी ज़्यादा किसिंग सीन भी नहीं है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 8/10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।